सो अभी हम इन दोनों को दिखवाने के लिए डॉक्टर पे जा रहे हैं क्योंकि इनको सर्दी जुकाम इसको खांसी हुई थी और इसने खांस खांस के इसको भी खांसी कर दी है, तो दोनों को ले जा रहे हैं डॉक्टर पर दिखवाने के लिए। बेवकूफ हो गया, कैसे बोल रही हूँ, बोलो सी बोलो। सो गाइस अभी अचानक से क्या है, मौसम भी चेंज हो गया, जैसे कि शाम को सर्दी, सुबह सर्दी, ऐसे हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो गई, दोपहर में बिल्कुल गर्म मौसम रहता है, तो इस कारण। और हम लोग एक दिन अभी 2-3 दिन पहले ही मार्केट में गए थे, सो हम लोगों ने कोल्ड कॉफ़ी वगैरह भी प्रेशियस को भी पिलवा दी, तो बस रात में क्या है करीब 10:30 बजे का टाइम हो गया, तो उधर से आए तो उसको हवा लग गई, आगे स्कूटी पर खड़ी होके आई थी, सो हवा लगी, इस वजह से उसका गला खराब, उसके बाद उसको खांसी हो गई, खांसी होने के बाद उसने खांस खांस के ब्लेसी को भी कर दी, क्योंकि उससे बोलते थे दूर हो जाओ, छोटी बच्ची है, उसको जैसे मैं इधर उधर हो जाती जाके उसको खिलाने लगती किस वगैरह, तो बस ब्लेसी को भी इसी चक्कर में खांसी हो गई थी। सो ब्लेसी को अभी कल शाम से आ रही थी, तो फिर आज हम लोग उसको दिखवाने के लिए ले ही आते हैं, मैंने सोचा अभी ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत मतलब दिक्कत आएगी। अभी हम राजवाड़ा पे आए, आज है धनतेरस और इधर इतनी भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा, अभी तो हम लोगों ने इधर मानीपुरी पी है और इसके लिए मुझे शॉपिंग करनी है यहाँ पे, सॉक्स वगैरह, शूज वगैरह और सर्दियों वाले कपड़े लेने हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया है, तो इसलिए अभी इससे है नहीं, इसके लिए भी सॉक्स वगैरह लेने हैं और ये आगे भाई साहब की दुकान पे हम अभी देखते हैं मलेशियस के लिए कपड़े। हाँ भैया दिखाना भाई साहब, सो गाइस मैंने अपने लिए एंड प्रेसियस के लिए और इनके डैडी ने खुद के लिए, हम लोगों ने बिग बिलियन सेल आई थी तो उसी में कपड़ों की शॉपिंग तो मोस्टली सारी हम लोगों ने अपने लिए कर ली थी, बस प्रेसियस के लिए नहीं की थी, तो ब्लेसी के लिए हम सोच रहे थे कि बाहर से ही लेंगे। सो मार्केट में इतनी भीड़ आज धनतेरस है, तो उसकी वजह से भी हर दुकान पे, मतलब अभी रात का टाइम है, रात के करीब 9 बजे का टाइम हो गया, फिर भी मार्केट में बहुत भीड़ थी, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी भीड़ थी, वरना तो मैं मार्केट में आती नहीं थी। सो बस अभी तो मैंने सिर्फ ब्लेसी के लिए जो ज़रूरत की चीज़ थी, सॉक्स वगैरह एंड सूज कैप वगैरह ये सब लिया है, बाकी सामान कुछ भी नहीं लिया, जैसा कि मैं सोच रही थी, मैं अंदर को गई थी, मैंने कहा मैं भी अपने लिए चूड़ी वगैरह ये सब ले लेती हूँ, जैसे ही मैं अंदर को गई थी इतनी भीड़ इतनी कि मुझे मतलब एक कदम के बाद दूसरे कदम रखने की मतलब अंदर से इच्छा ही नहीं हुई, मैंने सोचा कि अभी चलते हैं जितना है उतने से ही मतलब जो सब कर लेंगी, बाकी दिवाली के बाद देखूंगी मैं, क्योंकि इतनी भीड़ में बच्चों के साथ भाई मेरा तो अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। सो एकदम आप देख रहे हो कितना मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत भीड़ थी मार्केट में तो खैर, लेकिन सजावट लाइट वगैरह दिवाली में इतना खूबसूरत था, और रास्ते में हम लोगों को ये अंकल मिल गए थे, ये देखो इन्होंने किस तरीके से अपने आप पे लाइटिंग वगैरह लगा ली अच्छे खासे, और मतलब पता नहीं कैसे क्या किया है इन्होंने, उसमें सॉन्ग गाने वगैरह भी चल रही थी, स्कूल में स्कूटी में सब कुछ फिट कर लिया था, सो फिर ये बोल रहे थे कुछ नहीं बस बच्चों का मनोरंजन हो जाता, बच्चे देख के खुश हो जाते हैं, ये इसे मतलब ऐसा करने से इनको खुशी मिलती है, तो ये देखो
मार्केट में। बाकी सब लोग इनके साथ में फ़ोटो वगैरह और वीडियो वगैरह ये सब बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि हम लोग भी क्यों ना इनको कैप्चर करें, क्योंकि यार हर कोई ऐसा थोड़ी ना करता है जैसा कि इन्होंने किया है। बस ये सब के साथ में फ़ोटो वगैरह सब सेल्फी वगैरह ले रहे थे, वो बता रहे थे कि कैसे क्या होता है इसमें, कैसे इन्होंने शायद इसमें एक इन्वर्टर छोटा सा बैटरी रखी थी। ग्लेसी को तो मैंने दवाई दे के इसको सुला दिया, अभी ये सो रही है और अभी मैं बनाऊंगी खाना। अब तो सभी ने लाइट वगैरह भी बुझा के रख दी, क्योंकि रात का 12 बजे का टाइम हो रहा है ना, तो लाइट बिल के चक्कर में अभी सबके यहाँ लाइट मतलब बंद हो चुकी है, जो लाइटिंग लगा रखी है वो। सुबह सभी मैं भी मम्मा, हाँ क्या तो देखो ना, गुड नाइट बोल दो। गुड नाइट मेरे वाली को कहती हूँ, बंदर आ जाते। मैं भी बस ये सीरम लगाती हूँ बालों में, उसके बाद सो जाऊँगी। आप लेसी सोई गई है, सुबह सीरम लगाने के बाद सोऊंगी। बर्तन वगैरह क्लीन किए, बाकी कुछ भी साफ नहीं किया मैंने, क्योंकि लेट हो गए। और मार्केट में तो इतनी भीड़, आज इतनी भीड़ बहुत ज़्यादा। मैं छुड़ी वगैरह लेने की सोच रही थी, लेकिन भीड़ को देख के मैंने कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ ब्लेसी के लिए। और कुछ पेट्रोल के चक्कर में सिर्फ ब्लेसी के लिए मैंने सॉक्स वगैरह एंड क्या है यार, बार बार बोलना। और मैंने एक पेट्रोल बोला था, उसकी भी मना करती। बस ब्लेसी के लिए लिया था सॉक्स एंड शूज वगैरह ये सब, उसके लिए कैप वगैरह टोपा वगैरह, और एक एक जोड़ी कपड़े लिए थे, और बाकी कुछ नहीं लिए थे। बाकी मैं अपने लिए चूड़ी वगैरह ये सब लेने जा रही थी, लेकिन इतनी भीड़ थी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने मना कर दिया, मैंने कहा अब तो दिवाली बाद ही जो लेना है वो लूँगी मैं, क्योंकि इतनी भीड़ में यार मेरे से नहीं होता है। मैं तो वापस ही आ गई थी, बहुत हद से ज़्यादा भीड़ थी। मैं सोच रही थी कि रात का समय भी 9 बज गए हैं, तो शायद थोड़ी कम हो गई होगी, इसलिए मैं चली गई थी मार्केट, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो अब मैं सीरम लगा के हम लोग सो जाएंगे। सुबह जगते हैं, कल छोटी दीपावली है, और उसके बाद बड़ी दीपावली आ जाएगी 24 को। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।